तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस, टाइटल और थंबनेल आप देख चुके हो कि मैंने ली है अपनी पहली गाड़ी एंड वो है टाटा नैनो। जी हाँ, एंड कितने की पड़ी एंड उतने प्राइस पे ये वर्थ कर रही है या नहीं, कंडीशन कैसी थी गाड़ी की और एवरेज ये सही दे भी रही है या नहीं दे रही है, जितना लोग बोलते हैं उतनी मिलती है या नहीं, तो सारी बातें करेंगे हम। और सबसे पहले जब हमने गाड़ी ली एंड क्या डॉक्यूमेंटेशन हुई वो सब, और हमारा एक प्यारा सा छोटा सा इंट्रो, तो आप लोग इंजॉय करो। सो व्हाट्स अप पीपल, दिस इज मी योर पीएस, आपका अपना प्रशांत शर्मा, और बहुत दिनों बाद एक नई लुक के साथ और एक नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। तो गाइस, थोड़ा सा एक्साइटमेंट सी है आज, क्योंकि आज हम अपनी पहली गाड़ी लेने जा रहे हैं। नई नहीं है बट एक्साइटमेंट, तुमको पता है कि पहली गाड़ी चाहे सेकेंड हैंड हो, चाहे थर्ड हैंड हो, चाहे फिफ्थ हैंड हो, चाहे टेंथ हैंड हो, लेकिन एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई होता है। उसके बाद जितनी आती रहेंगी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, पहली गाड़ी आ रही है तो थोड़ी सी एक्साइटमेंट है। और बाकी मेरे साथ जा रहा है एज यूजुअल, यही जाएगा, ये बचपन से साथ है, ये हर जगह जाता है, और हम जाने वाले हैं इस पे, तो उस पे नहीं मतलब इस पे, ठीक है। तो अब चलते हैं, निकलते हैं। फाइनली हमारी डॉक्यूमेंटेशन डन हो रही है गाड़ी की एंड फर्स्ट परचेज है हमारी। तो गाइस, प्रचार डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं आप ये गाड़ी की। तो गाइस, हम यहाँ एटीएम में आए हैं। अब हुआ ये कि हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र करे, बट ऑलवेज ऑनलाइन हमारी पेमेंट फिर अटक गई। हम लड़का आया है एटीएम। तो गाइस, फाइनल पेमेंट हो गई है, गया प्रचार निकाल के। So guys, ये है हमारी टाटा नैनो CX, और जो इसकी कॉस्टिंग पड़ी मुझे वो मैं आपको बताता हूँ वीडियो के एंड तक, पूरी वीडियो देखते रहो, हर एक चीज बता दूंगा डिटेल में। अभी चलते हैं, फिलहाल देखते हैं गाड़ी का एक ओवरव्यू। डॉक्यूमेंटेशन के बाद हम सीधा गए पेट्रोल पंप, और ये गाड़ी बिल्कुल सूखी हुई थी, इसमें तेल नहीं था, तो हमने इसमें सबसे पहले तेल डलवाया। एंड स्टार्टिंग में मैंने 550 का तेल डलवाया, 550 का। एंड उसके बाद जो ओनर थे गाड़ी के, जिनसे हमने गाड़ी खरीदी, उनको उनके घर ड्रॉप किया और गाड़ी लेके हम लोग राहुल के घर गए। तो गाइस, जब हमने डॉक्यूमेंटेशन कर दी, कागज़ हमारे नाम हो गए, एफिडेविट बन गया एंड पेमेंट हो गई, उसके बाद जब राहुल और मैं गाड़ी लेकर निकले तो हमें क्या एक्सपीरियंस हुआ देखिए। तो गाइस, फाइनली गाड़ी हमारी हो चुकी है एंड राहुल चला रहा है मस्त, और बुकिंग क्या मतलब पेमेंट ही पूरी करके आ चुके हैं हम और गाड़ी ले आए हैं। बाकी अब वॉशिंग कराते हैं गाड़ी को। ये चली थी हमारी 40,000 चली हुई है एंड सिंगल ओनर गाड़ी थी जो हमने ली है। बाकी राहुल बताएगा एक्सपीरियंस कैसा है गाड़ी चलाने में। गाड़ी का तो मस्त है, गाड़ी का मस्त एक्सपीरियंस, बढ़िया मतलब गाड़ी अच्छी मिल गई है। गाइस, राहुल ने मतलब सजेस्ट करी थी कि डन कर दे इस प्राइस रेंज पे, अगर इस कंडीशन की गाड़ी मिल रही है तो ले लेनी चाहिए। तो फिर मैंने ना इधर देखा ना उधर, तो डन कर दी गाड़ी। एंड एक बात और गाइस, आप लोग यकीन नहीं मानोगे कि ये जब से गाड़ी देखी है, टेस्ट ड्राइव ली है और गाड़ी ले ली है, अभी तक मैं इसकी ड्राइवर सीट पे नहीं बैठा हूँ, और ना मैंने इसका स्टेयरिंग पकड़ा है, ना मैंने चलाई है, ना मैंने रेस दिया है, ना कुछ किया है, राहुल ही इसको चला रहा है, सब कुछ कर रहा है एंड झूठे ले रहे हैं एंड बाकी ऐसे होते हैं बचपन के दोस्त फिर। एंड आफ्टर दैट हम लोग गए गाड़ी की वॉशिंग करवाने, तो गाड़ी फिर चमचमाती जब बाहर आई वॉशिंग स्टेशन से, तो आप लोग वीडियो देखो। मतलब बिल्कुल नहा धोई लग रही थी गाड़ी, मतलब मेरा तो मन खुश हो गया यार, पहली गाड़ी है और उसके बाद
अपनी हो चुकी है जब वो चीज़, तो फिर अलग ही एक्सपीरियंस होता है। अब इसके बाद चाहे बंदा कोई भी बड़ी से बड़ी गाड़ी ले ले यार, लेकिन फर्स्ट गाड़ी जो उसने ली है उसका एक्सपीरियंस बहुत अलग होता है। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और एक्साइटेड था उस समय भी। और उसके बाद इसको मैं घर लेकर गया एंड घर में सबको गाड़ी दिखाई, सबको बहुत पसंद आई। एंड उसके बाद फिर हमने मम्मी को साथ में लिया एंड हम लोग गए लाल द्वारा मंदिर, वहाँ माथा टेकने। तो गाइस फाइनली लाल द्वारा पहुँच चुके हैं एंड अभी पुजारी जी को बुलाया है और माथा टेकवाते हैं गाड़ी को एंड ठीक है ना, चलते हैं। बाकी राहुल खड़ा है वहाँ गाड़ी के पास। मंदिर में माथा टेकने के बाद भाई साहब पूरा दिन हम बाहर थे, सुबह 10 बजे 10:30 बजे चले गए थे एंड शाम हो चुकी थी और अब लग रही थी जोरों से भूख। तो अब हम गए सबसे पहले प्रवीण वैष्णो ढाबा खाना खाने। तो आप लोग अब खाने की भी फुटेज थोड़ी सी इंजॉय करो। और वहां जाके विभोर ने बहुत तंग किया, टेबल से इधर से उधर कूद रहा था, वो मैंने क्लिप रिकॉर्ड नहीं किया बट उसको डांटते हुए की वीडियो है, तो आप इंजॉय कर सकते हो। अरे होके अब थोड़ा खाया पिया जाए क्योंकि राहुल भी सुबह से बाहर है हमारे साथ। तो अभी हम जा रहे हैं हमारे यहाँ पर, जो भी लोग यमुनानगर से हैं वो तो जानते ही हैं, प्रवीण का ढाबा, ठीक है। तो वहीं चल रहे हैं एंड अब रेस्टोरेंट भी बन चुका है ये और ढाबा तो है ही, खाने को सब कुछ मिलता है यहाँ। हम रुक चुके हैं फाइनली प्रवीण वैष्णो ढाबा, तो चलो चलते हैं अंदर। फाइनली पेट पूजा डन हो चुकी है और ये मान नहीं रहा, ये उधर टाप टाप के जा रहा है। ओए टिक जा तू, ठीक है राहुल चले अब आराम कर लो। तो गाइस अब बात करते हैं गाड़ी की कंडीशन के बारे में। तो गाइस ये गाड़ी किसी लेडीज़ के पास थी, फीमेल के पास, तो गाड़ी उतना नहीं चली हुई थी, नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है ये। 2009 में दिसंबर की है ये, 25-26 के आसपास आरसी बनी हुई है 2010 की, तो 2009 मॉडल कह सकते हैं, वैसे 2010 में कंसीडर होता है ये मॉडल। एंड उसके बाद हम बात करें अगर टायरों की, तो इसके पिछले दोनों टायर बिल्कुल ओके थे, स्टेपनी आज तक यूज़ नहीं हुई थी, तो स्टेपनी को मैंने इसके टायर में लगा दिया राइट साइड एंड लेफ्ट साइड फ्रंट में मैंने डलवा लिया एक नया टायर। पहली कॉस्टिंग मुझे जो पड़ी है वो ये पड़ी है कि मैंने इसमें टायर लगवाया। उसके बाद इस मॉडल के अंदर हमें सेंटर लॉकिंग नहीं मिलती, पावर विंडोज़ नहीं मिलती, तो मैंने क्या करा सेंटर लॉकिंग एक अलग से लगवा ली, क्योंकि मेरा मन था कि मुझे सेंटर लॉकिंग वाली गाड़ी चाहिए, तो मैंने सेंटर लॉकिंग इस पर लगवा ली। ये भी एक बेसिक नेसेसरी चीज़ है जो मैंने एक्स्ट्रा लगवाई है इसके ऊपर, कोई फालतू शोशेबाजी नहीं करी है, बेसिक जो गाड़ी में चीज़ होनी चाहिए वो। एसी इसका बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ जाता है। और कहते हैं कि कैबिनेट छोटा है बट कैबिनेट छोटा नहीं है, 5 लोग आराम से बैठ जाते हैं। मेरी हाइट यार 5'10" है, 5'10" के आसपास मैं इतने आराम से बैठता हूँ। ऊपर हेडरूम इतना तगड़ा मिलता है, लेग रूम इतना तगड़ा मिलता है, और मेरा जो वेट है आप देख सकते हो, जो ओवरऑल बॉडी है, मेरे जैसे 5 लोग इसमें आसानी से बैठ जाते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यार जगह की। एंड टायर भी इसके चारों नए हो चुके हैं इस समय, सेंटर लॉकिंग लग चुकी है, लेफ्ट मिरर नहीं आता, ये मैंने अलग से लगवाया है, एक कोस्टिंग इसकी आई हुई है। एंड इसके अलावा मैंने इसमें एक लाइट लगवानी है, लाइट ऑर्डर की हुई है अमेज़ोन से, वो राहुल को भी चाहिए थी और मुझे भी चाहिए थी, फिर हमने पेयर में मंगवा ली, और वो जब आएगी तो उसका भी रिव्यू एक बार दिखा दूंगा आप लोगों को। बाकी अगर हम बात करें सेंटर लॉकिंग की इंस्टॉलेशन की, उसकी भी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ एंड वो भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ये वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो, आप लोग बीच में क्लिप्स भी देख रहे हो पुराने एंड ये सब भी देख रहे हो। एंड इसमें अब हम जाया करेंगे घूमने, तो आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि आद बद्री एक बार हम जाएँ, थोड़ा पहाड़ों का भी पता लग जाएगा कि कैसे उठती है ये, कैसे नहीं, मतलब पिकअप उठने का मतलब। तो गाइज़ ये थी हमारी डिटेल वीडियो हमारी नैनो CX के बारे में। एंड ये गाइज़ मुझे गाड़ी पड़ी थी 43,000 की एंड कागज़ वगैरह मिला के मेरे नाम ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो गई थी 45,000 की। उसके बाद मैंने इसमें अंदर एक टायर लगवाया नया, इसकी अलाइनमेंट करवाई थी और इसमें शीशा लगवाया था साइड का जो लेफ्ट मिरर है वो, एंड उसके बाद मैंने सेंटर लॉकिंग लगवाई, तो ये टोटल अमाउंट मिला के मुझे 52,000 की पड़ी है
एक्चुअल गाड़ी मुझे 43 की मिली थी, ऊपर जो मैंने मॉडिफिकेशन करवा ली उसके कारण मुझे ये 52 तक की पड़ी है। तो गाइज़ ये थी हमारी डिटेल वीडियो हमारी नैनो के बारे में, और बाकी अब व्लॉग्स बनाता रहूँगा मैं, इसको पहाड़ों की तरफ लेके चलेंगे, कहीं भी लेकर चलेंगे तो आप लोगों को व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। एवरेज की भी डिटेल वीडियो ले आऊँगा, विद एसी विदाउट एसी, एंड बहुत सारी वीडियोज आएंगी अब नैनो के ऊपर। बाकी आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना परंपरा के अनुसार, एंड वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सुझाव कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको नैनो कैसी लगती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।